ఈరోజు ఒంటిగంట సమీప ప్రాంతంలో గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సొంత తమ్ముడు తన తోడబుట్టిన అక్కను అతి కిరాతకంగా చంపాడు. ఈ సంఘటన టూలిచోకీ ఆదం కాలనీలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం ఆరిఫ్ అనే వ్యక్తి 35 సంవత్సరాలు, తన అక్క రైస్ ఫాతిమా 41 సంవత్సరాల మహిళను అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు. చనిపోయిన మహిళ వృత్తిరీత్యా అడ్వకేటుగా విధులు నిర్వహించేది. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా హాస్పిటల్కు తరలించి దర్యాప్తు కొనసాగించారు. ఆస్తి తగదాలే ఈ సంఘటనకు దారితీసిందన్నారు. आज अंदाजा 1:40 पर अपना पेट्रोल पंप को डायल हंड्रेड कॉल आया था. एक बहन को भाई मार दिया उल्टी, फौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया. इसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन दी तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए. ये बहन का और फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट है. वो और डेथ हो गई सब. उनका नाम राइस फातिमा है. 2003 उनका जो टाइम पे शादी हुआ, 1-2 साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद उनके घर पे आके रह गया. और उन्होंने और उसके 2 बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह रहे. और डिसीज्ड को और उसका बायां पूरे 5 लोग हैं. छोटे छोटे इश्यूज में आर्गुमेंट्स होना, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे. उसमें डिसीज का फिंगर वन आरिफ है उसका नाम. तो उनका टॉर्चर बहुत कर रहे बोल के उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे घर ले लिया. तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब क्या होना हम दे देंगे, यहाँ से आप हट जाओ बोले. तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता, मैं केस डालता बोल के थोड़ा टेम्पटेड वर्ड्स दे रहे थे. तो एक वजह से भी मैं बोल रहा हूँ उन्होंने नहीं मान रहे, तो उससे हम मैं ये कदम उठाना पड़ा. आज भी सुबह बातचीत में कर रहे हैं, उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ. मैं उन्होंने नहीं जाता बोल के मना कर रहे हैं. वो सेफ रहा कि मैं उसके ऊपर किचन में थे, उसे मैं हमला करा बोल के मालूम पड़ा है. उनका डेथ पहले तो थोड़ा सांस था, तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गया. डेथ का सेक्शन ऑली हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे. तो डेथ का सेक्शन वही है 302 में एफ आई आर करेंगे उसके ऊपर. ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के मालूम है, क्योंकि उन्होंने टिम्बर बिजनेस करता है. फैमिली पूरा उन्हें वेट करता बोल के मालूम है. नहीं, एक्यूज अभी कंप्लेंट दिए थे क्या था? लोग ऐसा लड़ाई हो रही घर में छोटी छोटी बात पर उनका? नहीं, अब तक तो कोई कंप्लेंट नहीं है. हाँ, दोनों का फैमिली डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है. ठीक है.